आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के एक और बहुत अहम पहलू की ओर। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला नहीं लिया है और रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के 6.5% पर रखा है। हालांकि मई 2022 से लेकर अभी तक हमने देखा कि 8 मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई है, जिसमें रेपो रेट अगर हम देखें तो 6 बार जो है बढ़ाया गया है, और जिसके चलते रेपो रेट 4% से बढ़कर 6.5% तक पहुँच गया है। अब ऐसे में आपको एक कैलकुलेशन हम दिखाते हैं कि अगर आप वो शख्स हैं जिन्होंने होम लोन ले रखा है तो कितना इजाफा जो है आपके ब्याज दर में हुआ है, जिसके चलते आपकी जो हर महीने की जो ईएमआई है उसमें आप इजाफा देख रहे हैं। तो देख लिया, अगर आपने जो है 50 लाख का लोन लिया हुआ है और उसकी अवधि लगभग 20 साल की है, तो अप्रैल 2022 में 6.7% की आपकी ब्याज दर थी, ईएमआई आपकी थी 38,000 से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा। लेकिन अब जो रेपो रेट में इजाफा हुआ है उसके बाद आपकी जो ब्याज दर हो गई है वो 9.25% हो गई है, और आप देखिए कितनी ईएमआई दे रहे हैं, 45,707 रुपये। अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि फ़िलहाल जो पॉज है ब्याज दर बढ़ने में वो आगे भी बरकरार रहेगा, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है निवेशकों को, और ख़ास तौर से अगर आपने होम लोन ले रखा है, आप किस तरह के बेंचमार्क के साथ कनेक्टेड हैं, आपको अगर EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट के तहत देखा जाए तो आपको 9.25% का भुगतान जो है वो देना होगा ब्याज दर के लिहाज से, और ये जो इजाफा है ये क्लियरली 2.5% के आसपास का दिखाता है, जो हमने आपको उदाहरण के ज़रिए दिखाया है, समझाया है। लेकिन अब किस तरह से आपको समझना चाहिए कि आपका बेंचमार्क क्या है और किस तरह से इसकी एक रीसेटिंग होती है और किस तरह से आपके ऊपर ईएमआई का बोझ बढ़ता है, घट सकता है, हमारे साथ इसको लेकर ख़ास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हेमंत तैयार, AVP कम्युनिकेशन, bankpassr.com, जो विस्तार से इस पर बात करेंगे। हेमंत, स्वागत है आपका। होम लोन के तमाम पहलुओं पर लगातार आपसे बातचीत होती रहती है, तो अब जो मौजूदा लोन धारक हैं उनके लिए तो दिक्कत ये है कि करीब 10% के आसपास का तो आप ब्याज देखिए दे ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि दर्शकों को हम थोड़ा सा बेंचमार्क के साथ जो लिंक होता है उनका होम लोन, उसकी समझाइश दे दें, क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क शायद ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है बजाय दूसरे बेंचमार्क के, जहाँ पर आपको थोड़ी धीमी गति में ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो किस तरह से ये बेंचमार्क अलग अलग हैं और कैसे आपको पता चले कि आपका जो लोन है वो किस तरह के बेंचमार्क से लिंक्ड है? थैंक यू कविता। सो हम समझेंगे कि पहले कैसे बेंचमार्क्स चेंज हुए हैं। अक्टूबर 2019 से RBI ने इंस्ट्रक्ट किया बैंक्स को कि सारे जो रिटेल लोन्स हैं वो रेपो रेट से जुड़ेंगे। अक्टूबर 2019 से लेके अप्रैल 2016 तक बेंचमार्क जो था वो MCLR था, और अप्रैल 2016 के पहले आई थिंक बेस रेट चल रहा था, प्राइम लेंडिंग रेट चल रहा था। तो अभी के टाइम पे ज्यादातर रिटेल लोन जो बैंक दे रहे हैं वो रेपो रेट से जुड़े हुए हैं। अब आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक तो आपका बेंचमार्क रेट हो गया जो कि रेपो रेट है, और उस बेंचमार्क रेट के ऊपर बैंक अपना एक स्प्रेड लगाता है। ये स्प्रेड जो है ये आपके इसको शेप करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर ये आपकी क्रेडिट स्कोर से और आपकी लोन चुका पाने की क्षमता से जुड़ा होता है। तो आप बहुत क्रेडिट वर्थी हैं जो आसानी से लोन चुका पाएंगे, आपका स्प्रेड बहुत कम होगा, पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है और आप बहुत बड़ा लोन ले रहे हैं, आप ज्यादा रिस्क में हैं, तो बैंक आपका स्प्रेड ज्यादा लगाएगा। सो इसका मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आज के दिन रेपो रेट 6.5% है, अगर आपका स्प्रेड 2.5 है तो आपका लोन रेट जो है वो 9 हो गया। सो बेंचमार्क रेट और स्प्रेड ये दोनों से जुड़ के आपका टोटल रेट बनता है। अब 2019 से क्या चेंज हुआ है, ये बहुत जरूरी चीज है और हर ओमोनर को ये समझना चाहिए कि ये बेंचमार्क उनको किस तरह से इंपैक्ट करते हैं। जब रेपो रेट अब चेंज होता है और आपका रेपो लोन है, तो आपका जो रेट है वो हर क्वार्टर विदाउट फेल, जब भी रेपो रेट चेंज होगा उसी क्वार्टर में वो आपका रेट चेंज हो जाएगा। तो वंस इन 3 मंथ्स आपका रेट चेंज हो रहा है, तो आप इस तरह से पूरी तरह समझ जाते हैं कि आपका रेट कब चेंज होगा और कितने मार्जिन से चेंज होगा। सो ये रेपो रेट से ये क्लैरिटी आई है कि आपका रेट कैसे और कब चेंज होने वाला है। इसके पहले क्या होता था कि MCLR और बेस रेट और प्राइम लेंडिंग रेट, इनमें जो लेंडर हैं उनके पास बहुत डिस्क्रेशन होता था वो किस तरह से रेट चेंज करेंगे या नहीं चेंज करेंगे।
सो आरबीआई ने बार बार यही कहा है कि उनको बेहतर ट्रांसमिशन चाहिए रेट का। अगर रेपो रेट गिर रहा है तो वो गिरावट लोन रेट्स में भी दिखनी चाहिए। ये कुछ हद तक एमसीएलआर फिक्स कर पाया, बट रेपो रेट ने इस चीज को पूरी तरह फिक्स कर दिया है। तो रेपो रेट अब जितना भी चेंज होता है उतना ही आपका लोन रेट चेंज हो जाता है। तो ये एक ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम था जो एक तरह से सॉल्व हो गया है। तो जब रेट्स गिर रहे थे तो ग्राहकों को बहुत फायदा हुआ कि उनके रेट्स अपने आप बिना बताए कम हो गए, बट अब जब रेट्स बढ़ रहे हैं तो उसी तेजी से वो रेट्स बढ़ भी रहे हैं। तो अब ये एक दोधारी वाली तलवार है जो आपको दोनों तरह से काट रही है। बट मेरा ऐसा मानना है, और हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, कि आप रेपो रेट पे रेपो लोन पे रहे तो शायद आपका लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा होगा। शायद शॉर्ट टर्म में आपको एमसीएलआर पीएलआर वगैरह पे थोड़ा फायदा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में जब रेट्स घटने लगेंगे, हम ये देखने वाली बात होगी कि एमसीएलआर वाले लोन्स या पीएलआर वाले लोन्स भी सस्ते होते हैं या नहीं होते हैं। पहले नहीं हो रहे थे, इसी के लिए आरबीआई को ये रेपो रेट बेंचमार्किंग शुरू करना पड़ा था। कविता, बिल्कुल। तो वैसे में क्या तमाम एग्जिस्टिंग बोरोवर्स में से अगर मैं समझना चाहूँ तो किस कितने लोगों का एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होगा और किन क्या एमसीएलआर और पीएलआर से होगा, कितनी तादाद है इस तरह के बोरोवर्स की, इसका अगर कोई आंकड़ा आप साझा कर सकें। मैं आपको आरबीआई के कुछ आंकड़े देता हूँ। सो दिसंबर 2022 में जो जो बकाए मार्केट में लोन थे उनमें से सिर्फ 3% बेस रेट लोन्स हैं, 46% एमसीएलआर लोन्स है और 48% रेपो लोन्स हैं। रेपो लोन करीब 3 साल पहले ही आए हैं पर ऑलरेडी उनका मार्केट शेयर आधा हो गया है। सो ऑलमोस्ट 50% के आसपास वो आ गए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जो प्राइवेट बैंक्स और विदेशी बैंक है उनके जो रेपो लोन्स है वो ऑलरेडी 75 से 80% हो गए हैं। 75 से 80% रेपो लोन्स हैं, बाकी बकाए जो है अभी भी एमसीएलआर और बेस रेट पे हैं। सिर्फ सरकारी बैंक है जहाँ पे अभी भी 61% लोन अभी भी एमसीएलआर और बेस रेट पे चल रहे हैं। तो नए लोन तो ऐसे भी रेपो रेट पे दिए जा रहे हैं, पर जो पुराने लोन्स थे उनके भी कर्जदारों ने डिसाइड कर लिया है कि वो रेपो लोन पे रिफाइनेंस करके आ जाएंगे। तो वो बेस रेट लोन या एमसीएलआर लोन छोड़ के रिफाइनेंस करके अपने लोन को कन्वर्ट करके रेपो लोन पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अब जो आपने जवाब में कहा कि जब घटौती होनी शुरू हो जाएगी, जब कटने शुरू हो जाएंगे, तो रेपो रेट के भी जो ब्याज दरें हैं वो भी कम होंगे, उसके एवज में एमसीएलआर और बाकी जो बेंचमार्क है उसमें हम शायद धीमी तरीके से रेट में कटौती देखेंगे। अब ऐसे में नेट नेट अगर मैं समझना चाहूँ तो एग्जिस्टिंग बोरोवर को अगर वो एमसीएलआर जैसे बेंचमार्क से लिंक्ड है तो उनका जो रेट का बढ़ना है क्या वो लंबा चलेगा, क्योंकि रेपो रेट बढ़ भी जल्दी रहे हैं, घटेंगे भी जल्दी, लेकिन हो सकता है कि जब तक वो घटना शुरू करे तब तक एमसीएलआर ने इतना ट्रांसमिशन किया ही नहीं होगा कि वो घटने वाले लेवल पर पहुंचे, ऐसा कुछ है? आपने एकदम सही कहा कि एमसीएलआर में भी ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम था, इसीलिए आरबीआई को एमसीएलआर से रेपो बेंचमार्किंग पे आना पड़ा। सो जब रेट्स बढ़ रहे हैं तो वो फटाफट बढ़ेंगे, बट एमसीएलआर में ऑटोमेटिकली शायद ना घटें। एनबीएफसी लोन्स के साथ भी शायद यही होगा, क्योंकि उनको रेपो बेंचमार्किंग का कोई मैंडेट नहीं है, वो प्राइम लेंडिंग रेट के हिसाब से लोन देते हैं। तो टिपिकली मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे अपना रेट कम करवाना हो, जब रेपो रेट 4% था तो मैं अपने होम लोन पे 8.5% दे रहा था, जो मतलब इतना हाई था। तो रेपो जो लोन्स थे उस टाइम पे उनके रेट्स अपने आप कम हो रहे थे, बट मुझे जाके कन्वर्जन फीस देना पड़ा तब जाके मेरे रेट कम हुए। तो ये दिक्कतें थी पीएलआर और एमसीएलआर और बेस रेट में, कि जब रेट्स गिर रहे हो तो आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिलता है, बट अब मिल रहा है। आपको एक सिंपल कैलकुलेशन मैं देता हूँ। बेसिकली अगर आपने आज 8.5% का एक रेपो लोन लिया, आज के दिन रेपो रेट 6.5% है, मतलब आप 2% का मार्कअप दे रहे हैं। अगर रेपो रेट गिरना शुरू हुआ, मान लीजिए वो रेपो रेट गिरते गिरते 6.5 से 5 पे आ गया, तो आपका लोन अपने आप 7.5 से 8.5 से सीधे सीधे 1% कम हो जाएगा, वो 7.5 हो जाएगा, जिससे आपका आपका बहुत फायदा है। और आपका लोन जब आपका रेट गिरेगा तो आपका लोन अपने आप छोटा हो जाएगा, आपको प्रीपेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सब अपने आप होगा। वेरैस आप जो पुराने बेंचमार्क्स में हैं आपको वो दिक्कत आती रहेगी कि आपका रेट मार्केट के साथ हिल नहीं रहा है और आपको लेंडर से फिर बातचीत करनी पड़ेगी, कन्वर्जन फी या प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, अपना रेट कम करवाना पड़ेगा। तो रेपो लोन से आप उन सब दिक्कतों से बच जाते हैं। कविता,
तो अब जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स है हेमंत, क्या आपको लगता है कि उन्हें रीफाइनेंसिंग को लेकर एक बार फिर से सोचना चाहिए, खासतौर से तब जब वो पुराने तरह के या जो बाकी बेंचमार्क है उससे जुड़े हुए हैं तो? 100% क्योंकि ये ऑलरेडी हो रहा है। रेपो लोन्स ने ऑलमोस्ट आधा मार्केट ले ही लिया है। लोग पुराने बेंचमार्क छोड़ के नए बेंचमार्क पे आ रहे हैं, तो ये जो किसी को अगर फायदा दिख रहा है कि मुझे एमसीएलआर में रह के या बेस रेट में रह के कुछ फायदा हो रहा है कि मेरा रेट कम है या बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहा है, वो फायदा हमेशा शॉर्ट टर्म में ही आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपको रेपो पे ही आना पड़ेगा क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन बेटर है। जैसे रेट्स गिरने लगेंगे आपका एमसीएलआर रेट वहीं अटक जाएगा, बट रेपो रेट फटाफट अपने आप कम होने लगेगा। तो ये कन्वर्जन लोगों को कर लेना चाहिए। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आप अपने ही लेंडर के साथ, अगर आप ऑलरेडी बैंक से बोरो कर रहे हैं तो आप अपने लेंडर के पास जा सकते हैं, बैंक के पास आप कह सकते हैं कि आपको एमसीएलआर बेस रेट से रेपो पे आना है। इसमें ज्यादातर कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आपका लोन पहले से उसके पास है। आपको एक छोटा मोटा शायद प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा और आपका लोन जो है कन्वर्ट हो जाएगा नए बेंचमार्क पे। इसमें आपको स्पेशली फायदा तब होगा जब आपका रेट भी कम हो रहा हो। दूसरा मेथड है कि आप अपना लोन दूसरे लेंडर के पास ट्रांसफर करा लें। इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, आपको पेपर वर्क शुरू से करना पड़ेगा, आपको अपने आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, डॉक्यूमेंट के पेपर्स वगैरह आपको फिर से सबमिट करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग फी, लीगल फी, एमओडी चार्जेस, ये सब भरने पड़ेंगे। हमारे हिसाब से ये जो सारे खर्चे हैं टिपिकली लोन का 0.5 से 1% बराबर होते हैं। एक एडिशनल खर्चा और हो सकता है जो कि प्री ईएमआई इंटरेस्ट, अगर आपका ईएमआई डेट आगे पीछे हो गया तो आपको थोड़ा प्री ईएमआई इंटरेस्ट भी अगले लोन पे देना पड़ सकता है। बट ये सारे खर्चे आप 1 से 2 साल में रिकवर कर लेंगे अगर आपका रेट बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए आप 9.5% दे रहे हैं बट आपको 8.5% का लोन मिल जाता है, तो आपका सीधे सीधे 1% कम हो गया और वो जो आपने जो इंटरेस्ट के थ्रू बचाया वो आपका जो भी खर्चा था लोन ट्रांसफर का वो आपको सारा रिकवर करा देगा। कविता, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिरी सवाल, और वो है नए लोन धारकों के लिए जो शायद अब लोन लेने जाएंगे, तो उन्हें अब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या कोई गुंजाइश कि उन्हें थोड़ी कम ब्याज दर पर लोन मिले? 100% सबसे पहले तो जरूरी है कि आप मार्केट स्कैन कर लीजिए, समझिए कि कहाँ कौन सा लेंडर किस रेट पे लोन दे रहा है। आपके पास बैंक ऑप्शंस है, आपके पास एनबीएफसी ऑप्शंस है, बट ध्यान रहे कि जो रेपो लोन्स दे रहे हैं वो सिर्फ बैंक्स दे रहे हैं, एनबीएफसीज का कोई मैंडेट नहीं है कि उनको रेपो बेंचमार्किंग करना है। तो आपको रेपो लोन चाहिए तो आपको किसी बैंक के पास ही जाना पड़ेगा। रीफाइनेंस का खर्चा मैंने आपको बता दिया, करीब 1% तक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2%, बट अगर आपका रेट बहुत कम हो रहा हो तो आप आराम से रिकवर कर लेंगे। सबसे जरूरी बात, दो बातें हैं एक्चुअली, एक तो आपका रेट कम होना चाहिए। अगर आपको 50 बेसिस पॉइंट्स या उससे ज्यादा आपका रेट कम हो रहा हो तो रीफाइनेंस में सेंस बनता है। अगर आपका लोन और लोन की अवधि आधे से ज्यादा बाकी है तभी रीफाइनेंस में सेंस बनता है। आप रीफाइनेंस जाने के पहले अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आपका स्कोर, आपका सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा है तो आपको बेस्ट लोन ऑफर्स मिलेंगे, 800 से ज्यादा है तो और भी अच्छा। और यू नो, इसमें जो लोन अप्लाई करने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, आईडी प्रूफ, इनकम प्रूफ, वो सब आप प्लीज तैयार कर लें, इससे आपका लोन प्रोसेसिंग आसान हो जाएगा। मैं आपको एक स्पेशल टिप देना चाहूंगा, वो ये है कि जो नया लोन आप लेने वाले हैं उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से समझे। और मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताता हूँ। मान लीजिए एक लेंडर 8.5% दे रहा है और दूसरा लेंडर भी 8.5% दे रहा है, और एक लेंडर कह रहा है कि आपका मिनिमम प्रीपेमेंट ईएमआई का 2 गुना है और दूसरा लेंडर कह रहा है कि नहीं, आप एक ईएमआई बराबर प्रीपेमेंट कर सकते हैं, तो पहला जो लोन है जो आपसे ज्यादा प्रीपेमेंट मांग रहा है वो सेम इंटरेस्ट रेट होते हुए भी आपको लॉन्ग टर्म में महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पेमेंट थोड़ा मुश्किल है। तो जहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बराबर बैठ रहे हो, जहाँ पे आपको अच्छी कस्टमर सर्विस मिल रहे हो और रेट अच्छा मिल रहा हो, आई थिंक आप वहाँ पे रीफाइनेंस करके जा सकते हैं। ऑनलाइन जरूर जाएं, चेक करें मार्केट में कौन क्या रेट दे रहा है। आज के दिन आपको 8.4 से 8.5 तक के लोएस्ट रेट्स मिल जाएंगे। लोएस्ट रेट्स उन्हीं को मिलते हैं जो
उन रेट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। सो टिपिकली ये हो गया कोई ऐसा इंसान जिसका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है, जिसकी इनकम स्टेबल है, जिसके पहले के लोन पेमेंट्स टाइम पे रहे हों। हमने ये भी देखा है कि औरतों को स्पेशल कंसेशनल ऑफर्स दिए जाते हैं जिसमें 5 से 10 बेसिस पॉइंट रेट पे और शायद कम हो जाए अगर आपका लेंडर के साथ ऑलरेडी कोई रिलेशन चल रहा हो, जैसे सैलरी अकाउंट या कोई पुराना लोन या क्रेडिट कार्ड, तो आपको कंसेशनल ऑफर दिया जाता है। और बीच बीच में आप स्पेशल ऑफर्स देखेंगे ही मार्केट में, जैसे मार्च एंड में चल रहे थे, आगे कोई एक और टाइम आएगा जब ये स्पेशल ऑफर्स वापस शुरू होंगे। आप इन सब चीजों का ध्यान रख के आप रिफाइनेंस कर सकते हैं। कविता चाहिए। हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी विस्तार से आपने इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों को जानकारी दी। धन्यवाद समय निकालने के लिए।